लूट की सूचना निकली फर्जी, पुलिस ने लूट की झूठी घटना का किया खुलासा। आपको बता दें कि कक्षा 11वीं के छात्र द्वारा दी गई लूट की झूठी सूचना का पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया। मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। लूट की झूठी सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस घंटों भर इधर उधर भटकती रही। थाना क्षेत्र के मथाना निवासी युवक ने दी थी 2.5 लाख रुपये की लूट की सूचना। बाद में सख्ती से पूछताछ पर घटना झूठी निकली। थाना क्षेत्र के मथाना निवासी एक किशोर ने बैंक से पैसे निकालने के बाद रास्ते में जाते समय लूट की घटना ग्रामीणों को बताई। यही नहीं, उसने बदमाशों द्वारा 2.5 लाख में से 30,000 रुपये रास्ते में फेंक जाने की बात कही। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। घटना के गलत सूचना का आभास होने पर युवक को सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को गलत सूचना देना स्वीकार किया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है? जी, कल शाम को 6 बजे के लगभग सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से थाना फतेहपुर को सूचना मिलती है कि मथाना गांव का लड़का है जो 11वीं क्लास में पढ़ता है और उसके साथ कुछ 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है। और ये सूचना पाते ही जब थाने वाले गांव पहुंचते हैं और जो लड़का है उससे बात करते हैं तो उसके द्वारा जो घटनाक्रम बताया जाता है कि वो सुबह 2 बैंक से निकला और 1,30,000 रुपये एक बैंक से, 1,20,000 रुपये एक बैंक से उसने विड्रॉ करा। विड्रॉ करने के बाद वो आ रहा था एक फ्लाईओवर के पास, उसके साथ 2 बाइक सवार और एक लूट की घटना उसने कारित करी। जब उससे पूरा बैंक में जाके हमने पूछताछ करी थाने वालों ने, ये पता चला कि कोई बैंक से कोई विड्रॉ हुआ ही नहीं। और उसके बाद जो युवक है जिसने सूचना दी थी उसने मान लिया कि उसने झूठी सूचना दी। ये झूठी सूचना देने का भी कारण उसने ये बताया कि जो उसके कुछ भाई लोग हैं जो बाहर सऊदी या विदेश में रहते हैं और उसके अकाउंट में पैसे डलवाते रहते थे, ये पैसे सारे उसके द्वारा खर्च कर दिए गए थे और घर वाले दबाव बनवा रहे थे वो पैसे लेने का, तब जाके उनके द्वारा ये पूरा ये प्लानिंग करी गई और जिस तरह झूठी सूचना दी गई।